कपकोट के दूरस्थ इलाकों में अभी भी आयात के बदले आयात किया जाता है। आपको बता दें कि दूरस्थ इलाकों में ऊंचे स्थानों पर जहां एक ओर धान गेहूं की फसल नहीं होती, वहीं आलू मूली राम करेरा सहित अन्य फसलें होती हैं। चौड़ा गाँव की तुलसी देवी सहित अन्य महिलाएं आजकल पहाड़ी आलू तथा मूली लेकर कपकोट को आती हैं और इनके बदले अनाज व धान ले जाती हैं। धान के बदले आलू खरीद के लाते हैं, फिर आलू मूली गाँव में पूरा घूम के गरीब आदमी ठहरे, फिर धान कूट के फिर गाँव ले जा रहे, इसको चक्की में कुटाएंगे। अच्छा, तो मतलब सामान के बदले सामान लेते हैं। हाँ। और क्या क्या लाते हैं इसके अलावा? और कुछ थोड़ा मूली लाए। अच्छा, मूली के बदले क्या देते हैं लोग? मूली की भी धान लाए। अच्छा, और क्या क्या देते हैं? हमारे गांव में धान नहीं होता तब आते हम यहाँ, पैसे नहीं लेते, ये नाज के बदले हम नाज ही लेते हैं धान। सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनु तिरवा की रिपोर्ट।